बच्चों, यस गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपको याद है कल हमने 56 तक के एमसीक्यू करे थे, आज हम 57 के आगे के एमसीक्यू कर रहे हैं। एमसीक्यू करते वक्त हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर एक, सारे एमसीक्यू पढ़ेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन होगा हम जरूर पूछेंगे कि ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 57। द लॉ ऑफ स्कार्सिटी ए डज नॉट अप्लाई टू रिच और डेवलप्ड कंट्री, ऐसा कुछ है? अप्लाइज टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, इंप्लाइज दैट कंज्यूमर वॉन्ट विल बी सेटिस्फाइड इन सोशलिस्टिक सिस्टम, और डी इंप्लाइज दैट कंज्यूमर वॉन्ट विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। क्या मैं कह सकता हूं आंसर डी होगा? यस, पढ़ा हुआ लग रहा है मालिक। 58 बोलो साहब। 58 रिसोर्सेज आर स्केयर्स इन रिलेशन टू वॉट, रिसोर्सेस स्केयर्ड है इन रिलेशन टू व्हाट, किस चीज के हिसाब से स्केयर्ड है? क्या मैं कह सकता हूं एक, क्या कर रहा है मेरा भाई, किस चीज के हिसाब से स्केयर्ड है? ह्यूमन वॉन्ट्स, हा इसके हिसाब से स्केयर्ड है। प्रॉफिट मोटिव, सोचो अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से भी तो रिसोर्सेस स्केयर्ड होगा। कंट्री सोशल गोल्स के हिसाब से भी तो स्केयर्ड होगा ही। सो क्या मैं ऑल ऑफ द अबाउ भी तो कह सकता हूं? यस, इफ वी टॉक अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इफ वी टॉक्ड अबाउट सोशलिस्ट इकोनॉमी, हेंस आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउ। हां देखिए, अगर इसमें ये दो ऑप्शन नहीं होते, अगर इसमें ये दो ऑप्शन नहीं होते, इसके पहले हमने एक ऐसा एमसीक्यू सॉल्व किया है जिसमें ऐसे दो ऑप्शन नहीं थे, इसीलिए हमने डायरेक्टली आंसर क्या सिलेक्ट किया था? ह्यूमन वॉन्ट्स। बट इस केस में हमने ये तीनों सिलेक्ट किए। अरे जाओ, तुम क्या बता पाओगे? इकोनॉमिक थ्योरीज सर, क्या ये हाइपोथेटिकल है? याद होगा तो बिग बैंग थ्योरी का एग्जाम्पल मैंने दिया था, कुछ चीजें तो हमें हाइपोथेसिस के बेसिस पे चालू करने पड़ते, जब कुछ अवेलेबल ना हो। मैथ्स भी क्या लेता है बेटा? एक्स। मैथ्स को खुद को भी एक्स लेना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक थ्योरीज को भी कुछ तो हाइपोथेटिकल चीजें, हाइपोथेटिकल अजम्पशनल, कुछ अजम्पशन के बेसिस पे चालू करना पड़ता है। भाई देख, अपने एवरेज बच्चे जहां जहां पॉसिबल हो वहां वहां पे लिखते जाने का, टेंशन नहीं लेने का। यस, अपने को अपने बुक किसी को दिखाना नहीं है, खुद को समझना है, और जितने आसान भाषा में समझेंगे उतना अच्छा। मैं तो चाहता हूं कि इनफैक्ट एमसीक्यू के बाजू जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो भी आप लिख दो तो भी मजा आ जाएगा। 60 बेटा, 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? लिसनिंग टू म्यूजिक, हाँ बताइए, म्यूजिक सुन करके ए कच्चा बदाम, इससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी बनने वाला है क्या? कोई पैसा बनने वाला है? टीचिंग टू खुद के सन को, अपने बेटे को सिखाना, बेटा डोंट डू नेटफ्लिक्स एंड चिल, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं। हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड एक्टिविटी, बताइए, हमारी मम्मी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है हमें संभालना, फिर भी इसे कोई पैसे मिलते हैं? नहीं। तो आंसर ये सी होना चाहिए फिर, पैसा इसी से बनेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या? पैसा इसी से बनेगा मेरे भाई। ओ या हाँ जी, चलो अब हम लोग सीनियर सिटीजन, 60 की एज पार कर ली हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, किस चीज का पैसा नहीं बनेगा? सन लुकिंग आफ्टर द एलिंग मदर, एक मां बीमार है उसके पीछे सन अपनी मेहनत कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट डूइंग प्रैक्टिस, बताओ भाई इससे पैसा बनेगा क्या? सोल्जर सर्विंग एट बॉर्डर, अगेन वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बट इससे भी पैसा बनता है? फार्मर गोइंग मिलेज, इससे भी पैसा बनता है? हा या हा? यस। सन लुकिंग आफ्टर द एलिमेंट ऑफ, बताइए व्हाट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? बताइए, आंसर इज ए। अच्छा,
पीछे अगर आप क्वेश्चन बैंक देखोगे इसका आंसर सी लिखा है, बट इसका आंसर ए होना चाहिए, तो प्लीज अपने क्वेश्चन बैंक को करेक्ट कीजिए। सिक्सटी वन का आंसर ए होना चाहिए। सिक्सटी टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल और कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कौन सी चीज बिजनेस इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट नहीं है? क्या कैपिटल बजटिंग है? यस। डिमांड एनालिसिस है? यस। ब्रेक इवन पॉइंट भी है? यस। ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे होते हो, अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। एग्जैक्ट सिचुएशन जहां पे ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, इसीलिए आंसर इज नन ऑफ द अबव। ये तीनों इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं। ओ ये 63, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है, पढ़िए रीजंस क्यों। क्या ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप करता है? यस। इंटीग्रेट करता है डिसीजन मेकिंग को? यस। फॉलो करता है साइंटिफिक मेथड को? यस। आंसर क्या होना चाहिए मेरा बच्चा? अरे जियो मेरे लाल, नॉट एयरटेल, जियो। हाँ जी, रेफर टू द प्रोसेस 64। अपना पूरा ध्यान अपनी एम की ओर लगाए, 64 की ओर लगाए, पूरा एम अपना लाइफ का यही है। रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, मतलब हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करना। सो रेफरिंग टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मींस ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड एंड। बताइए इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? चिल्लर। हाँ जी, 65, बिजनेस इकोनॉमिक इज एसेंशियल कंपोनेंट। कैसा बेटा? एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एस इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टिव क्वांटिटेटिव टेक्निक। बिजनेस इकोनॉमिक इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ एज इट इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टेड। एक मिनट, सबसे पहले तो यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। बिजनेस इकोनॉमिक इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एज इट इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टिव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब बताइए क्या होना चाहिए? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। यस, मैनेजरियल इकोनॉमिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। 66, बिजनेस इकोनॉमिक्स एनेबल्स एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक एंड एनिमेटिक टूल एनालिटिकल टूल टू। सारे ऑप्शन पढ़ो। बिजनेस इकोनॉमिक्स अनेबल्स एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो अप्लाई करता है इकोनॉमिक लॉजिक टू फिल द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इंक्रीज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ साइंस, इंक्रीज द इफेक्टिवनेस और अप्लाई द टूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन चारों में से बेस्ट आंसर इज ए, फिल द गैप ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। एवरीबडी गेटिंग दिस मालिक? सिक्सटी सेवन, रीड द क्वेश्चन आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है, अप्लाई योर माइंड। अगर आंसर आपका कुछ भी आता है प्लीज डू लेट मी नो।
ये क्वेश्चन एक्चुअली घुमा के दिया गया क्वेश्चन है, आपको अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। इसका इकोनॉमिक्स का एज सच कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कॉन्क्लूजन आर ड्रॉन, हम कौन सी मेथड में कॉन्क्लूजन निकालते हैं किसी भी चीज का, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम कौन सी चीज में कंक्लूजन निकालते हैं, कौन सी मेथड में कंक्लूजन निकालते हैं? इंडक्टिव का मतलब होता है इंक्लूसिव मेथड का मतलब होता है हर इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करके आया हुआ सॉल्यूशन, इसे हम इंडक्टिव मेथड या इंक्लूसिव मेथड भी कहते हैं। डिडक्टिव मेथड में हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसमें से हम चीजों को काट देते हैं। इंफॉर्मेशन सी, क्वेश्चन क्या लिखा है, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जिसको यूज कर रहे हो, यही अगर इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड करके यूज करना वर्ड होता है यहां पे, तो हम यहां पे डिडक्टिव मेथड वर्ड यूज करते हैं कि भैया हमारे पास जितना अवेलेबल है उसमें से कच्चट करके फाइनल निकाला, तो ये डिडक्टिव मेथड हो गई। दूसरी इंफॉर्मेशन लेके हमने कोई चीज के कंक्लूजन पे पहुंचे, ये कौन सी मेथड हो गई? इंक्लूसिव मेथड। हमारे पास जितना डेटा अवेलेबल है उसके अलावा दूसरे डेटा को यूज करके, अरे जाओ तुम क्या बता पाओगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बोलना मेरे बच्चे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ, क्या ये कंज्यूमर बिहेवियर पे भी इंपैक्ट करता है? प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? चिल्लर क्वेश्चन। Which of the following does not suggest a macro approach for India? कौन सी चीज, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है आई गेस, 72। Which of the following is not a subject matter of microeconomics? कौन सी चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आती? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है क्या मालिक? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए आपके बुक में कई जगह पे रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। रीजन मैंने आपसे कहा, हमने मॉड्यूल भी लिया है, हमने अदर रेफरेंस बुक भी लिया है, हमने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी लिया है, तो इसके कारण कई बार अगर एक क्वेश्चन दो अलग अलग अटेम्प्ट में आया होगा या मॉड्यूल एज वेल एज क्वेश्चन पेपर में भी आया होगा तो वो दोनों क्या होते हैं बेटा, मिक्स हो जाते हैं। यस शेवंती थ्री, अरे आप ली 73, रीड द क्वेश्चन आराम से। कई बच्चे, अच्छा आप अगर चैप्टर नंबर वन में नहीं थे तो प्लीज टेंशन मत लीजिए, आपको शायद ही आंसर आए तो उसका पार्ट छोड़ देना, टेंशन नहीं लेना। बाकी जो लोग चैप्टर नंबर वन में कंप्लीटली थे, आई एम श्योर एक हाथ एमसीक्यू को छोड़ दिया तो उनको बचे हुए तो चार आप बिल्कुल आराम से जम रहे होंगे, और उतना पैरामीटर मैंने आपको बताया ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज अ टॉपिक ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? इंक्रीज इन वेजेस ना, ये तो इंटरनल डिसीजन हो गया। स्टील प्राइस और मोर इज इंपोर्टेड ना। इंक्रीजिंग एक्शन रेट और लिविंग स्टैंडर्ड, इन्फ्लेशन रेट की बात चल रही है क्या यहां पे? सो मैटर अगर इन्फ्लेशन का है तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यू है। इन्फ्लेशन, हु गेव द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस? एडम स्मिथ बाबा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? याद करो नॉर्मेटिव अपने को राइट या रॉन्ग ढूंढना है, रिलेशन ढूंढना है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। Example of positive economics would be
ये भी रिपीटेड ही है ए, ये भी रिपीटेड है, प्लीज राइट डाउन रिपीटेड। सीधा 78 पे आए, अगेन रिपीटेड, अगेन रिपीटेड, सीधा 80 पे पहुंचे। कैपिटल सरप्लस, नहीं नहीं एक मिनट, गलत, लेबर सरप्लस इकोनॉमी, इसका अपोजिट क्वेश्चन था कैपिटल सरप्लस। 81 प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड वर्सेस कंज्यूमर गुड रिलेट्स टू अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस और ग्रोथ। किसका क्वेश्चन है ये, किसका क्वेश्चन है ये, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। एवरीबॉडी बेटा सब कंफर्टेबल, मैं स्पीड तो नहीं जा रहा, पक्का मालिक। 82 डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, जो नेशनल प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसको किसको शेयर किया जाए, अमीरों को या गरीबों को, ये क्या क्वेश्चन है। द इशू फॉर होम टू प्रोड्यूस डील विथ, इज इट बोथ ए एंड बी, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एंड शेयर ऑफ डिफरेंट पीपल, डेवलप्ड इकोनॉमी यूजेज द टेक्निक ऑफ, चिल्लर क्वेश्चन, क्या तकलीफ है ये भाई को। हा जी भैया, पीपीसी क्या है, डिस्कस किया है हमने, क्या है पीपीसी, डू वन थिंग, होमवर्क देख के आना है क्या है, और कल नहीं समझ में आया तो मैं बैठा हूं। प्राइस कल करके आओ, देख के आओ सब लोग। 86 इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डू कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर मेक देयर चॉइसेस, कौन सी जगह पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर अपनी चॉइसेस कर सकते हैं। मार्केट इकोनॉमी इज द राइट वर्ड। सी यहां पे ओपन इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी दोनों वर्ड लिखा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्केट इकोनॉमी इज टेक्निकली ओपन इकोनॉमी, बट आपको जब दो ऑप्शन में क्लियर कट पूछा जाए, अगर यहां पे मार्केट इकोनॉमी का ऑप्शन ही नहीं होता यू वुड हैव सिलेक्टेड इट एज ओपन इकोनॉमी, बट अगर ये दोनों लिखे हैं तो एग्जामिनर आपसे मार्केट इकोनॉमी वर्ड एक्सपेक्ट करेगा, बिकॉज दिस इज द एप्रोप्रिएट वर्ड रिटन इन द बुक्स। फ्री मार्केट इकोनॉमी ड्राइविंग फोर्स इज, बहुत शानदार चले जा रहे हो आप लोग। इकोनॉमिक्स विच इज कंसर्न्ड विथ वेलफेयर प्रपोजिशन,
लग रहा है बेटा जो पढ़ा हुआ है सब कुछ बहुत तगड़े में पढ़ा हुआ है भाई साहब, 88 एमसीक्यू आ गए हम लोग, मतलब मोर देन 80। चलो मान के चलो कि 20 एमसीक्यू तुमको नहीं जमे, मान के चल लू मैं कि 20 एमसीक्यू अपने को समझे नहीं, अपन एवरेज बच्चे बेटा, 20 एमसीक्यू अपने को समझे नहीं जीवन में, तो भी 60 एमसीक्यू हमने कंप्लीट किया ऑन द बेसिस ऑफ दैट टॉपिक, यानी ये सोचो वो टॉपिक हमने कितने बार अच्छे से रिपीट किया होगा। 89th आप सॉल्व कर रहे हो साहब, मैं कुछ सॉल्व नहीं कर रहा इसमें जीवन में। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मालिक। चलो 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 भाई साहब, सारे लोग होश में आ जाओ, 90 आ गया है। अरे होश में आ जाओ, 90 आ गया है। फॉर एनालाइजिंग द ओनरशिप एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इकोनॉमिक्स आर क्लासिफाइड इनटू, सब मिक्स कर देने का, आई मीन कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स। सो 90 में ऑल मिक्स, ऑल ऑफ दी अबव। शिव 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 शिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर, ये नॉट बड़ा हॉट है बेटा, अंडरलाइन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्या इसमें बी होगा? बिकॉज आंसर क्या है, कंज्यूमर को चॉइस मिलता है, कंज्यूमर को चॉइस मिलता है, कंज्यूमर को चॉइस मिलता है। 92 बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, रुकने का नहीं, तकने का नहीं मालिक। ओ माय गॉड, क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहा जा सकता है, इसे ओपन मार्केट इकोनॉमी भी कहा जा सकता है? ये झमता बोलना, जल्दी से हमें खत्म करना है, 102 ही है और हम लोग 92 पे पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द हमें इसे खत्म करना है। हाँ जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हैज द गवर्नमेंट नो कंट्रोल ओवर प्राइस मालिक? चल चल चल, सिर्फ 7 बचे, जल्दी, कौन बनेगा करोड़पति? 5 करोड़ का क्वेश्चन आने वाला है। मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन कहां होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑल्सो कॉल्ड एज ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, क्वेश्चन पढ़ो वापस से, रीड द क्वेश्चन अगेन। ए बी सी ए डी, ए क्यों? क्योंकि उनको प्राइस, मतलब प्राइस रिलेशन में उसको, मतलब जो ज्यादा प्राइस देगा वो, मतलब उनको प्रॉफिट होगी, तो वो क्या करेंगे, मतलब रिसोर्सेज को अच्छे से पैसा करेंगे, एलोकेशन और प्रॉपर रिसोर्स को अगर यूज करेंगे तो उनको पैसा भी बचेगा, मतलब कॉस्ट बचेगी उनकी। क्यों वहां पे प्राइस और इसका प्रॉफिट के बारे में बात ही कहां की गई है? सी क्यों? वेल द आंसर इज सी, पीछे क्वेश्चन बैंक में भी इसका आंसर सी कीजिए, बिकॉज गवर्नमेंट कंट्रोल the allocation of resources in a equal and
एफिशिएंट मैनर। पीछे आंसर बैंक में भी चेंज करना। इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन दो एस्पेक्ट से देखा जा सकता है। एक एस्पेक्ट अगर ये देखा जाए कि प्राइस के एंगल से देखा जाए, तो आंसर फिर ए आना चाहिए कि भैया जो प्राइस देगा उसका मोस्ट इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, राइट। अच्छा, इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि अगर कंपनी को कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है तो बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के हिसाब से फिर आंसर इसका क्या होगा, ए। तो अगर ये इस एंगल से देखा जाए, इफ क्वेश्चन इज सीन फ्रॉम द एंगल इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन फॉर प्रॉफिट, देन ए। क्योंकि अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो रिसोर्सेस को अप्रोप्रिएटली एलोकेट करना जरूरी है, तो फिर उस केस में फ्री मार्केट इकोनॉमी शुड बी द आंसर। और अगर हम इस क्वेश्चन को इस एंगल से देख रहे हैं कि भैया सभी को एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस प्रॉपर मिलने चाहिए, तो फिर उसका आंसर कंट्रोल्ड इकोनॉमी होना चाहिए। यस, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, आगे बढ़ो बेटा, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस डिटरमाइंड बाय, फ्री मार्केट इकोनॉमी पूछ रहा है मेरे भाई, वो इज इट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। फ्री मार्केट इकोनॉमी में सारे एलोकेशन ऑफ रिसोर्स कंज्यूमर प्रेफरेंस पे डिपेंड होते हैं, वो क्या कंज्यूम करना चाहेंगे, क्या खाना चाहेंगे, क्या नहीं करना चाहेंगे। 96, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी व्हेन कंज्यूमर इंक्रीज देयर परचेस ऑफ गुड्स, कंज्यूमर इंक्रीज देयर परचेस ऑफ गुड्स एंड लेवल ऑफ डैश एक्सीड्स डैश, बताइए डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड एक्सीड कर जाए सप्लाई को तो प्राइस बढ़ेगा। याद करो, हायर द डिमांड हायर द प्राइस। चल चल चल, आखिरी की कुछ 97 ब्रो, ए बी सी या डी। इन एन इकोनॉमी पीपल हैव फ्रीडम टू बाय और नॉट टू बाय द गुड्स ऑफर्ड इन द मार्केट प्लेस एंड दिस फ्रीडम टू चूज व्हाट दे बाय डिक्टेट व्हाट प्रोड्यूसर विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर सॉवरेनिटी। प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर पे क्वेश्चन है, यही वर्ड यहां पे अगर कंज्यूमर होता तो आंसर क्या होता, कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी रिफर्स टू, विच कंज्यूमर प्रेफर्स टू बाय। सॉवरेनिटी किसकी चल रही है, कंज्यूमर की चल रही है, जो अपन बोलेगा वो तुम बनाएगा, ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्केट इकोनॉमी इज नॉट ट्रू, चिल्लर द गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोडक्शन। हाजी सचिन तेंदुलकर बनने जा रहे हो तुम, ए बी सी या सी, कितने सेक्टर होते हैं इसके अंदर में, प्राइवेट पब्लिक बोथ, तो तीन सेक्टर।
प्राइवेट पब्लिक बोथ, इज इट डन? चलो लास्ट सेकेंड लास्ट एमसीक्यू, इकोनॉमिक्स इकोनॉमी इंडस्ट्रीज आर फाउंड इन एंड द लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर बालिक इज इट ए ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग प्रभु? और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 गेट्स ओवर। आता कैसा वाटते ईमानदारी से अगर मैं बात करूं 102 एमसीक्यू में से ये मान लेता हूं मैं कि भैया तुमको 22 नहीं चाहिए, 25 नहीं आए, 30 नहीं आए, स्टिल 70 एमसीक्यू आपने अगर क्रॉस किए सो दैट्स वेल इनफ, क्योंकि ये एक बार की प्रैक्टिस से नहीं आता, इसका मल्टीपल प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब आप ये पूछेंगे कि सर एमसीक्यू का मल्टीपल प्रैक्टिस हम लोग कैसे कर सकते हैं, राइट? पहली चीज, आपके पास मॉड्यूल भी आया होगा, वैसे तो मैंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन उठा करके डाल दिए, बट फिर भी एक बार जब आप रिविजन करोगे, सर हम रिविजन कैसे करेंगे, आपको पता है मैंने आपको एक बुक दी है, उस बुक के अलावा आपको पूरा अलग से लिखा के दिया है, कुछ याद आया क्या? उस लिखे हुए बुक से जाना है और रिवीजन करना है। रिवीजन का अपना फंडा बड़ा सिंपल रहेगा, अपन जाएंगे जो अपन ने लिखा है उस पार्ट को अपन क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करके डायरेक्ट जाकर के क्या सॉल्व करने का एमसीक्यू। ये दिमाग से भूल जाने का कि इस बुक में मैंने सारे एमसीक्यू कवर किए हैं, वापस जाने का मॉड्यूल खोलने का और मॉड्यूल सॉल्व करके बैठ जाने का, वो सॉल्व कर लोगे तुमको ऑटोमेटिकली क्या आएगा, ध्यान में आएगा, उसी को तुम्हारा डबल प्रैक्टिस भी बोला जा सकता है, ठीक है? इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक मैं आपको दूंगा, मतलब अलग से क्वेश्चन पेपर दूंगा, उसमें कुछ और एमसीक्यू होंगे, दैट्स हाउ यू विल डू प्रैक्टिस। से यस। चलो जी, बहुत बढ़िया।